पर फारूखी ने आयशा खान को इनडायरेक्टली किस कर दिया है। अभी ये बात तो कुछ लोग सुनेंगे तो बड़े ही खुश होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मानते हैं कि आयशा भाभी बन गई है। भाई ऐसी भाभी हो तो फिर तो घर तो टूटा ही टूटा, जिस तरीके से ये हरकतें कर रही है, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ आपके भाई को यूज़ किया है और उसकी धज्जियाँ उड़ाई हैं। और आई होप आप नहीं चाहते कि आपकी भाभी ऐसी हो, पर कुछ लोग चाहते हैं कि भाभी ऐसी हो। अब आयशा ने खाना बनाया, पहले तो चिल्ला रही थी कि देखो मेरे को खाना बनाना तो आता है बट ज़्यादा लोगों का नहीं आता, बट फिर भी जो है इसने बड़ी शिद्दत से खाना बनाया जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है, क्योंकि विक्की ने तारीफ़ की है। विक्की ने ये बात बोली है कि भाई पहले ऐश्वर्या ऐश्वर्या, अब मुनावर के बाद जो है तुमने उसको भी साइड हटा दिया, तुमने तो कमाल कर दिया है। तो विक्की ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है खाने की, और ये बात जो है आके आयशा खान मुनावर को बता रही है। और फिर वहीं पर बाजू में बैठे हुए अभिषेक अभिषेक जो है तारीफ करते हैं, यार क्या कमाल का बनाया है यार, क्या है। तो मुनव्वर उठ के आता है, तो मुनव्वर जो है वो भी खाता है, तो मुनव्वर को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है खाना। तो मुनव्वर जो है सीधा तो किस कर नहीं सकता हाथों पे, तो रिंकू जी बैठे होते हैं, तो रिंकू जी के हाथ पे ऐसा करता है या ऐसा करता है, मेरे को वो सब चीजें दिखाई नहीं गई, बट हाँ किस किया है। किस करने के बाद उसके हाथ पे हाथ रख दिया है, तो रिंकू जी बोली ये क्या है, तो बोला कि बोले मैंने सिखाया है इसलिए, बोला नहीं नहीं उसने बनाया है, इतनी अच्छी दाल मैंने अब तक यहाँ पर नहीं खाई। मुनावर कुछ ही देर पहले ये भी बात बोल रहे थे कि मुझे खाना अच्छा नहीं मिल रहा है और प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो रही है। और आज जो है आयशा ने खाना बनाया जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुनावर को, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए हुए हैं कि आखिरकार मुझे खाना तो अच्छा मिलेगा। चलो अच्छी बात है कि मुनावर को खाना तो अच्छा मिलेगा, आयशा ने और चीज़ें तो अच्छी नहीं, एटलीस्ट ये चीज़ तो अच्छी की है कि सबके मुंह पे स्माइल है सिर्फ खाने की वजह से, कि यार थैंक गॉड खाना अच्छा मिल गया। इसी के साथ मैं लेती हूँ साथ साथ, नमस्कार।